तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है क्या, द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड क्रॉसेस द कर्व वाई इज इक्वल टू रूट एक्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू। तो अपन को उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और इस कर्व को कट कर रही हो, ठीक है। तो देखो, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो किस फॉर्म में होती है, वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर वो वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है और इसको कट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? अगर अपन वाई की जगह सी रखें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर कॉमा सी, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो और क्या दिया है उसने कि कितने एंगल पे कट कर रही है, 45 डिग्री पे। तो अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकालूं, ठीक है, तो इस कर्व का स्लोप कितना हो जाएगा, dy/dx विच इज फर्दर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2√x, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ये हो जाएगा टेन 45 इज इक्वल टू 1/2√x। और टेन 45 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2√x, ठीक है। तो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। और देखो जो रूट एक्स है वो कर्व, अगर अपन कर्व देखें तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 1/2, और यही होगी अपनी लाइन की इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर।